हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी के रसगुल्ले। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 कप चीनी लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, एक बार चला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची। तो हमने यहाँ पे 3 इलायची ऐड कर दी है। अब इसको ढक देंगे। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। तो हमारी चाशनी अब हो गई है। तो हम गैस को अब बंद कर देंगे। अब एक कढ़ाई में ऐड करेंगे दूध 1 लीटर और इसको गरम कर लेंगे। इसको चला देना है ताकि जले ना दूध, और इसको गरम कर लेना है। और इसमें ऐड कर देंगे अब सूजी 2 कप, थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको ऐसी ही रेसिपी मिलती रहेगी इस चैनल पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हो गया है। तो इसको हम एक अलग थाली में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा फैला देंगे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए। इसके बाद इसे आटे के जैसे गूंथ लेना है ताकि सूजी का जो भी रोड़ापन है वो अच्छे से पिघल जाए। और इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच इलायची पाउडर। और इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम लोई काट लेंगे, नींबू के आकार का इसको बनाना है गोला गोला। कुछ इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। तो सबको ऐसे ही बना लेना है। और हमने चाशनी पहले से ही बना के रखी है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको। सब इसी में ऐड कर लेना है। तो ये ऐड हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे केसर 1/2 चम्मच के आसपास और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है मीडियम आंच पे। तो हमारे रसगुल्ले बनके अब तैयार हो गए हैं।